हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे एक नए वीडियो पर। तो गाइस, हम अभी मनमोहन सर के पास हैं और पूछते हैं क्या है जी आपका हाल चाल। ठीक है? ठीक है सर। तो बताइए, बहुत दिन के बाद दिखाई दिए आप। हाँ सर, क्या है ना, अभी छुट्टी थी, इसके बाद छुट्टी के बाद घर चले गए, फिर अभी आए हैं सर। तो मैं देखा हूँ यार कि आप काफ़ी ऐसे ऐसे गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं। ठीक है जी। तो क्या है इसमें आपका अचीव, ग्रोथ क्या है, तरक्की क्या है? ग्रोथ है सर यही कि साल में 2 बार अपना डीए मिल जाता है सर। अच्छा, अभी कब मिलता है उसका भी पता नहीं रहता है। अच्छा, यही कि जितना हम लोग डीए बढ़ रहा है सर, उससे तीव्र गति से यहाँ अपनी महंगाई दर बढ़ रहा है सर। है ना, महंगाई दर बढ़ रहा है, तो उसके पीछे ही रहते हैं, आगे नहीं हो पाते हैं सर कभी। अच्छा, तो नहीं यार, बहुत सारे जो स्टूडेंट रहते हैं, बच्चे रहते हैं जो तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब का, तो कैसे, क्या मैसेज देना चाहेंगे उसको? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूंगा सर, मेहनत कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, करें। अच्छा, और जब उनको अगर कहीं मिल भी जाता है जॉब, जरूर उसको लें, अचीव करें। अच्छा, और मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगा कि ये नाम मालने की नौकरी में ही मेरे को रहना है, क्योंकि नौकरी में ना हमेशा महंगाई दर से पीछे ही रहेंगे वो। अच्छा, अगर महंगाई दर से आगे बढ़ना है तो उनको नौकरी के साथ उनको कहीं ना कहीं बिजनेस लाइन में आउटसाइड में कहीं सोर्स देखना ही पड़ेगा उनको। तो गाइस, जैसे दोस्तों बता रहे हैं मनमोहन सर, ठीक है, कि अगर कोई पता है कोई जॉब की तैयारी कर रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, तो जॉब पर ही डिपेंडेंट मत रहे, ठीक है। अदर्स कुछ भी अपना मतलब काम कर सकता है, ठीक है, और अपना प्रिपरेशन वगैरह कर सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट को देखा हुआ है कि वो लोग तैयारी वगैरह करते हैं, है ना, किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, पढ़ाई की तैयारी करते हैं, किसी और का, लेकिन किसी किसी का निकलता है, किसी का नहीं हो पाता है, तो बाकी लोग फिर फंस जाते हैं। बाकी लोगों का फिर समय भी खराब होगा, लाइफ भी खराब हुआ, इसकी वजह से मैं यही संदेश देना चाहते हैं हम, है ना, कि वो नौकरी पे ही बस अपना फोकस ना करें, अपना साइड में कोई ना कोई अपना एक पॉइंट लेके चलें, बी ग्रुप, बी साइड, तो बी पॉइंट अपना, या फिर बी बोलते हैं, बी प्लान बना के चले, ठीक है। हाँ, हम लोग तो उतना बहुत बड़े पोस्ट में नहीं है दोस्तों, लेकिन हम लोग मतलब एज एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। तो बहुत लोग तो बहुत होशियार रहते हैं, सब देखते ही नहीं है, पता है, और लेकिन कुछ मिडिल क्लास लोग रहते हैं दोस्तों, तो गवर्नमेंट जॉब ही मतलब देखते हैं, ठीक है। कहे सर, हाँ है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं, अभी तो यहाँ नहीं तो बात कराते मिलाते, और इन द फ्यूचर हम लोग दोस्तों आपसे जरूर बात कराएंगे, आपका मिलाएंगे, ठीक है। तो बताओ सर, आपको कितने साल हो गया है? मेरे को सर जॉब में 10 साल प्लस हो गए सर। अच्छा, 10 साल। हाँ, और 10 साल के एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ सर। तो 10 साल में क्या क्या अचीवमेंट लिए हैं सर आप? 10 साल में क्या अचीवमेंट करेंगे सर, सरकारी नौकरी में बस दिखावा रहता सर, और कुछ नहीं है ना, दिखाया रहता है, एक बार फंस गए तो फंस गए। हाँ, दिखावा में आपके पास कार रहेगा, अच्छा बाइक रहेगा, अच्छा, पर वो दिखावा है सर, ओरिजिनलिटी नहीं। तो दोस्तों दे सकते हैं अभी, और अभी सर से पूछते हैं, ठीक है। जैसे कि हम दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो सर देखिए काफी अरसे से हम मिलते हैं और सर के एक्सपीरियंस पूछते हैं आज। सर आप बहुत समय से, लंबे समय से आप गवर्नमेंट जॉब पर हैं ना, तो अपना एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे सर? बिल्कुल, मेहनत से काम करो, कर्तव्य निष्ठा से, बहुत अच्छा है, घर परिवार चल जाता है, अच्छा सैलरी बढ़िया है। हाँ, अच्छा पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे जॉब की तैयारी करो भाई, यूपीएससी पीएससी की तैयारी किया जाए। अच्छा अच्छा सर, लेकिन बहुत सारे जो बच्चे लग के चलते हैं ना, बहुत ज्यादा पीएससी तैयारी करते हैं, यूपीएससी तैयारी करते हैं, ठीक है, रेलवे कोचिंग करते हैं, पटवारी कोचिंग करते हैं ना, तो लोग मिस गाइड रहते हैं, सबका साथ ही में कोचिंग करते हैं, तो लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि समय का सही ध्यान से अपना कर्तव्य के साथ अपनी तैयारी करे, कहीं पे तो उनको गिल्टी महसूस नहीं होगा और सक्सेस जरूर होगा। अच्छा, तो सर लगभग आप कितने, 1 साल हो गया सर आपको जॉब के रूप में यहाँ काम करते? मैं 2005 से हूँ, पंडित सुंदरलाल में सहायक समन्वयक। अच्छा, मैं बच्चों को यही शिक्षा देता हूँ, बढ़िया पढ़ो लिखो, रेगुलर हो या प्राइवेट हो या डिस्टेंस मोड में हो, जी जी, एजुकेशन फैक्टर सही रहा। अच्छा, तो सब फैक्टर सही है। अच्छा, युवा साथियों को यही सलाह दूंगा, गांजा भांग दारू लड़की बाजी सबसे दूर रहे, पढ़ाई लिखाई में ही ज्यादा ध्यान दें।